महानगर कॉलोनी स्थित औषधीय पार्क की दुर्दशा। आपको बताते चले, कॉलोनी का औषधीय पार्क बरेली नगर का पहला औषधीय पार्क है, जिसकी स्थापना लगभग 2 साल पहले हुई, जिसमें 101 विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए थे। तब तत्कालीन सांसद बरेली माननीय श्री संतोष गंगवार जी ने स्वयं चंदन का एक पेड़ भी औषधीय पार्क में लगाया था। रुद्राक्ष के और चंदन के पौधे सहित काफ़ी संख्या में पौधे तहस नहस हो गए हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मिली भगत से इस पार्क में मलबा डाला गया है। पुरानी किसी की कार खड़ी है, निर्माण सामग्री पड़ी, जिस कारण महिलाओं पुरुषों ने टहलने आना बंद कर दिया। चोट लगने का डर बना रहता है। इस पार्क को छत्रपति शिवाजी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पार्क के संबंध में स्थानीय निवासियों अमर सिंह परमार, पीके दुबे, एमपी सिंह, सुधीर उपाध्याय, हरिशंकर गंगवार, दयाशंकर गंगवार, डीके सिंह आदि ने विस्तार से बताया। गंदगी दिखाई, गंदगी गंदगी दिखाई, फोकस इधर। वो सरिये पड़े हैं, ये वो ये फाल्सको पॉइंट पहले पहले कैसे वहीं पर, ये मलवा पूरी ईंटें। यहाँ पे कई पौधे फूल वाले लगे हुए थे, और ये देख रहे हैं कोई टहले दिया हो तो सरिया नहीं, कोई टहल दिया हो तो गिर जाएगा, यहाँ तो चोट खाएगा। चंदन का पेड़ था, ये देखिए कितनी औषधि पड़े और थे यहाँ पे, सब पेड़ गायब कर दिए, पेड़ गायब कर दिए। पार्क में गेट नहीं खुलता है, कोई खिड़की होती है, पार्क गेट नहीं होता। खिड़की तो सभी एक ही है, पूरा बर्बाद कर दिया। ये पूरा पार्क में जो है, अभी तक तो ईटा यहाँ तक लगी पड़ी हुई थी सब पूरी। ये देखिए पार्क में गेट खोल लिया है, हाँ दो तरफ से रहने का कोई मतलब नहीं है, इंक्रोचमेंट कर लिया पार्क में, हाँ जो है मेडिसिनल प्लांट है।